हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज आकांक्षा रावत बैक विद अ न्यू वीडियो ऑन द टॉपिक स्ट्रेटजिक चॉइस तो जैसे कि यहाँ पे इमेज से क्लियर है स्ट्रेटजिक चॉइस मींस यू हैव गॉट टू अल्टरनेटिव और टू ऑप्शंस एंड यू यू हैव टू टू चूज द वन व्हिच कैन हेल्प अचीव योर ऑब्जेक्टिव और गोल्स स्टार्ट स्ट्रैटेजिक चॉइस रेफर करता है किसी भी फॉर्म के ओन डिस को जो कि उसको उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प कर सके इसके अलावा ये उसको ये किसी भी फॉर्म को ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि उसे कौन सा पाथ या कौन सा वे चूज़ करना चाहिए अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए तो सबसे पहले जो भी फॉर्म होती है वो स्वॉट एनालिसिस कंडक्ट करती है जिसमें वो अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करती है इसके बाद वो अपने अपॉर्चुनिटीज़ को डिटरमाइन करती है ठीक है एंड उसको एक्सप्लॉयड करने की कोशिश करती है सो so, इस एनालिसिस के बेसिस पे ही कंपनी अपना एक पाथ चूज करती है एंड जो भी ऑल्टरनेटिव उसके पास आते हैं वो उनमें से ही कोई एक ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करती है इसके अलावा स्ट्रेटेजिक चॉइस आपको जो भी आपके पास ग्रैंड स्ट्राटेजीज़ है जो कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज होती हैं बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज होती हैं उनमें से जो भी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी उसको सेलेक्ट करने में हेल्प करता है एंड अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने में भी हेल्प करता है सो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्राटेजिक चॉइस कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपकी स्ट्राटेजिक चॉइस को अफेक्ट करते हैं फर्स्ट कम्स इन्वायरमेंटल कॉन्स्टेंट्स कॉन्सटेंट्स का मीनिंग होता है हर्डल्स सो इन्वायरमेंट के जो भी हर्डल्स हो सकते हैं जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं या फिर लीगल चेंजेस आ जाते हैं ठीक है पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं या फिर जो भी डेमोग्राफिक चेंजेस आपके ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड चेंजेस होते हैं हर्डल्स हो सकते हैं जो वो यहाँ पे अफेक्ट करते हैं आपकी चॉइस को सेकेंड काम्स आपकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एंड आपकी वहाँ की जो पावर रिलेशनशिप्स हैं हिरारकी है जो वो चीज़ें भी आपकी स्ट्राटेजिक चॉइस को अफेक्ट करती है थर्ड काम्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज़ क्या हैं एंड वो किन चीज़ों को प्रेफरेंस देती है ये चीज़ अफेक्ट करती है ठीक है फोर्थ कम्स कि आपके मैनेजमेंट का जो टॉप मैनेजमेंट है उसका एटीट्यूड क्या है अपनी ऑपरेशन के लिए नेक्स्ट कम्स इम्पैक्ट ऑफ पास्ट स्ट्रेटजी जो भी स्ट्रेटजी आप लोग चूज करने वाले हैं उसका पास्ट में इम्पैक्ट क्या रहा है ठीक है ये भी चीज़ इम्पैक्ट करती है इम्पोर्टेंस रखती है आपके लिए नेक्स्ट कम्स टाइम कॉन्स्टेंट आपकी जो भी स्ट्रेटजी है वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म के गोल्स मीट करने के लिए चाहिए ये भी एक की फैक्टर हो सकता है नेक्स्ट काम इंफॉर्मेशन कॉन्सटेंट्स जो भी इंफॉर्मेशन आप लोग लेके आते हैं ठीक है या फिर जिस भी फैक्टर के थ्रू या जिस भी पर्सन के थ्रू आपने जो भी डेटा गैदर किया है वो डेटा किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए काम करता है या फिर वो लॉन्ग रन के लिए भी आपकी कंपनी को हेल्प करने वाला है ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी होती है ठीक है तो आपके जो भी इंफॉर्मेशन है वो र्यूमर तो नहीं है ठीक है वो की फैक्ट्स पे बेस्ड है या नहीं ये चीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लास्ट कम्स कॉम्पिटिटर्स रिएक्शन आपके कॉम्पिटिटर्स का क्या रिएक्शन है वो कैसे रिएक्ट करें आपकी स्ट्रेटजी के खिलाफ ठीक है ये चीज़ इम्पैक्ट करती है नाउ कम्स प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस तो यहाँ पे हम लोग फोर स्टेप्स पढ़ने वाले हैं फर्स्ट स्टेप इज फोकसिंग ऑन ऑल्टरनेटिव आपके पास जो भी ऑल्टरनेटिव हैं आप उन पर फोकस करें ठीक है तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजिकल्टर क्या होते हैं हमारे पास एक्सपेंशन स्टेबिलिटी रिट्रेंचमेंट है ना एंड कॉम्बिनेशन और बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव है हमारे पास कॉस्ट लीडरशिप डिफ्रेंशिएशन एंड फोकस बिजनेस स्ट्राटेजी इन दोनों ही स्ट्राटेजिक ऑल्टरनेटिव के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लिंक मिल जाएंगे ठीक है वो भी अवेलेबल है यहाँ पे सेकेंड स्टेप कम्स एनालाइजिंग स्ट्राटेजिक ऑल्टरनेटिवस तो आपके पास जो भी स्ट्राटेजिक ऑल्टरनेटिव आपने ऊपर देखे हैं आप उनको कैसे एनालाइज कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है जिसमें आप लोग टू फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं फर्स्ट काम्स ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स जिसमें आप एनालिटिकल टेक्निक्स को यूज करते हैं एंड जो भी ऑल्टरनेटिव हैं उनसे रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स को गैदर करते हैं ठीक है जिसके बेसिस पे आप लोग स्ट्रैटेजिक चॉइस बनाते हैं सेकेंड काम सब्जेक्टिव फैक्टर्स सब्जेक्टिव फैक्टर्स आपके पर्सनल जजमेंट आपके जो भी एक्सपीरियंस है उस पर बेस्ड होता है या फिर आपकी कंपनी के जो भी मेंबर्स हैं जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके कलेक्टिव जजमेंट पे बेस्ड होता है थर्ड कम्स इवेल्यूशन ऑफ स्ट्रेटजी ठीक है यहाँ पे जो भी फैक्टर्स आपने डिटरमाइन करे हैं उनको आप इवेल्यूएट करें हैं उनकी क्या कैपेबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन को कैसे वो हेल्प कर सकते हैं किस लिमिट तक हेल्प कर सकते हैं ये चीजें आप डिटरमाइन करते हैं तो यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग जो भी एनालिसिस कैरी आउट करते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स के बेसिस पे उसके ही अकॉर्डिंग आप जो भी सक्सेस स्टेप्स होने वाले हैं उनको एनालाइज करते हैं एंड अल्टरनेटिव्स को रेट करते हैं इवैल्यूएट करते हैं फोर्थ काम्स मेकिंग अ स्ट्रेटेजिक चॉइस तो स्ट्राटेजिक चॉइस जो भी आपने ऑल्टरनेटिव देखे अभी तक उनको आपने असेस करा ठीक है एंड जो भी आपको लगा कि एग्जिस्टिंग कंडीशन भी जो कि बेस्ट सूटेबल ऑल्टरनेटिव हो सकता है आप उसको सेलेक्ट करते हैं ये आपको एक ब्लू प्रिंट तैयार करके देता है कि जो भी स्ट्रैटेजी है वो कैसी होने वाली है वो कैसे उसका डिस्क्रिप्शन आप तैयार करते हैं एंड उन कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं जिन कंडीशंस में ये स्ट्रेटी काम करने वाली है ऑपरेट करने वाली सो दैट्स ऑल फॉर नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग सी यू इन अनदर वीडियो